अव्यय जो है हमारे सिलेबस का पेपर वन का फोर्थ टॉपिक है और ये 5 मार्क का है। इस पे क्वेश्चन कैसा आता है कि हमको ये 2023 का पेपर है, इसमें 5 सेंटेंसेस दिए थे, ब्रैकेट में अव्यय दिए होते हैं, हमको ये फिल इन द ब्लैंक करने होते हैं। और इसके लिए बस कुछ नहीं, इनका मीनिंग पता होना ज़रूरी है, तो मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ अभी। च का मतलब एंड है, अपी का मतलब ऑल्सो, खलु का इंडी, ही का क्योंकि, तू का तो, वा का या, एव का ही। अब अत्र का मतलब हियर, तत्र का मतलब देर, कुत्र का मतलब वेर, सर्वत्र मतलब एवरीवेर, एकत्र मतलब टुगेदर, न कुत्र मतलब नोवेर, सदा मतलब ऑलवेज, अन्यथा मतलब अदरवाइज, और एक था मतलब वंस। अब यदा तदा का मतलब है वेन एंड देन, मतलब जब तक जब तब। यावत तावत का मतलब है जब तक तब तक। यदि तरही का मीनिंग है इफ एंड देन, मतलब अगर। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं, किम का मतलब है व्हाट, कुत्र का मतलब वेयर, कति का मतलब हाउ मेनी, कदा का मतलब व्हेन, कुतः का मतलब फ्रॉम वेयर, कथम का मतलब हाउ मच, किमर्थम मतलब व्हाई, और कियत मतलब हाउ मच। अब इसमें से जो बच गए हैं उसमें से ये जो एवं, सह, सार्धम और युगपल है, इन सब का मीनिंग होता है कि टुगेदर होता है, और यथा तथा का मतलब सिमिलर या अलाइक डिनोट करने के लिए बोलते हैं।